बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई एम फरीद मरवा। द टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए रिप्लिकेशन मीन्स व्हेन वन डीएनए डिवाइड एंड प्रोड्यूस टू डॉटर डीएनए, इट इज़ कॉल्ड डीएनए रिप्लिकेशन। हाउ डीएनए रिप्लिकेट? डीएनए रिप्लिकेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, बट फॉर कन्वीनियंस वी हैव डिवाइडेड इनटू थ्री फेजेस। वन इज़ कॉल्ड इनिशिएशन फेज, the second one extension or polymerization phase, and the third one is termination phase, initiation phase. The first step of DNA replication, it is characterized by formation of replication bubble and replication fork at the specific site called origin of replication site. DNA jab replicate hota hai to pehla step initiation phase hai, और इनिशिएशन फेज़ में क्या होगा? रिप्लिकेशन बबल और रिप्लिकेशन फोर्क बनेगा, और कहाँ पे बनेगा? एक मखसूस साइट के ऊपर, और उस साइट को क्या बोला जाता है? ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन साइट बोलते हैं। ये जो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन साइट जहाँ से डीएनए की रिप्लिकेशन स्टार्ट होती है, ये स्पेसिफिक सिक्वेंस है डीएनए के ऊपर, और वही से वो जो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड की सिक्वेंस डीएनए के ऊपर मौजूद है, उसी जगह से डीएनए की रिप्लिकेशन स्टार्ट होती है, और उसी को ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन बोलते हैं। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन के ऊपर स्पेसिफिक सीक्वेंस होगी न्यूक्लियोटाइड की। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक से ज़्यादा ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए जब रिप्लिकेट होता है तो उसके अंदर ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन एक होता है। प्रोकैरियोटिक का डीएनए के अंदर एक ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन इसलिए कि उसका डीएनए छोटा होता है। यूकैरियोटिक का डीएनए का मॉलिक्यूल बहुत बड़ा होता है, तो उसमें अगर एक जगह से वो रिप्लिकेट हो तो उसमें ज़्यादा टाइम, तो यही वजह है कि उसमें जो कहना ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन एक से ज़्यादा होते हैं, ताकि वो तेज से रिप्लिकेट हो जाए। ये मैकेनिज्म, ये डायग्राम डीएनए के रिप्लिकेशन को शो करता है। तो डीएनए की रिप्लिकेशन में सबसे पहला जो स्टेप होगा वो बनेगा रिप्लिकेशन बबल एंड रिप्लिकेशन फोर्क। ये जो रिप्लिकेशन बबल या रिप्लिकेशन फोर्क, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन जहाँ से रिप्लिकेशन स्टार्ट होनी है, वहाँ पर दो एंजाइम एक्ट करते हैं। एक एंजाइम हेलिकेज एंजाइम, जो इस डायग्राम में दिखाया गया है। हेलिकेज एंजाइम क्या करता है? जो डीएनए के जो दो स्ट्रैंड है उसके जो नाइट्रोजनस बेसिस है उसके दरमियान हाइड्रोजन बांड बना हुआ, हेलिकेज एंजाइम उस हाइड्रोजन बांड को तोड़ता है। जब हाइड्रोजन बांड को तोड़ता है तो इससे वो डीएनए के स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दूसरा एंजाइम और टोपोआइसोमरेज या जिसको गायरेज का नाम देते हैं, वो डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं वो हेलिक्स की फॉर्म में होते हैं, उसको जो कहना अनवाइंड कर लेता है, सीधा कर लेता है। गायरेज या टोपोआइसोमरेज डीएनए के जो हेलिक्स है वो अनवाइंड कर लेगा, हेलिकेज एंजाइम उसके दरमियान हाइड्रोजन बांड को तोड़ देगा, तो इससे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे। ये दोनों एंजाइम ने कहाँ पे एक्ट करना है? ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। जब दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे तो वहाँ पर एक बबल लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिप्लिकेशन बबल। रिप्लिकेशन बबल का ये वाला जो पार्ट है ये फोर्क है, फोर्क की तरह होता है। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? रिप्लिकेशन फोर्क बोलते हैं। अगर रिप्लिकेशन बबल और रिप्लिकेशन फोर्क बन गया तो उसके बाद हमारे पास एक एंजाइम है, उस एंजाइम को बोला जाता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने ये जो पुराने स्ट्रैंड है उसके साथ नए स्ट्रैंड बना लिया। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ के पुराने स्ट्रैंड के साथ नई स्ट्रैंड बना सकता है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज की एक और करेक्टरिस्टिक है, और वो ये है कि डीएनए जब पॉलीमरेज जब नए वो बनाएगा तो उसको 3' एंड चाहिए। अगर उसको 3' एंड के साथ वो न्यूक्लियोटाइड को एड करके नई स्ट्रैंड बना सकता है, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3' एंड के बाद काम नहीं करता, तो उसको 3' एंड प्रोवाइड करने के लिए एक एंजाइम है जिसको बोला जाता है प्राइमेज। वो प्राइमर बनाता है, ये आरएनए न्यूक्लियोटाइड का बना एक छोटा सा फ्रेगमेंट होता है, उसको डीएनए के साथ अटैच कर लेता है। अब ये प्राइमर का ये 5' एंड है, ये 3' एंड है। ये 3' एंड जब अटैच हो गया तो डीएनए पॉलीमरेज 3, ये डीएनए पॉलीमरेज तीन किस्म के होते हैं, एक है डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 और डीएनए पॉलीमरेज 3। तो मेन जो हमारे पास होता है वो डीएनए पॉलीमरेज 2 होता है। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है? डीएनए पॉलीमरेज इस 3' एंड के साथ न्यूक्लियोटाइड को एड करके ये डीएनए स्ट्रैंड बना लेता है। हमेशा जो डीएनए पॉलीमरेज नए डीएनए की स्ट्रैंड बनाएगा वो 5 से 3' एंड की तरफ बनाएगा, 5 से
थ्री प्राइम इनकी तरफ नई स्ट्रैंड बनाएगा। अब ये तो पुराना जो स्ट्रैंड है इसका थ्री प्राइम एंड इधर आए तो दूसरे स्ट्रैंड का फाइव प्राइम एंड इधर आए, तो इस रिप्लिकेशन फोर की तरफ नई स्ट्रैंड बनती जा रही है और वो कंटिन्यूसली एलांगेट हो रही है। ये जो स्ट्रैंड है जो कंटिन्यूसली बन रही है और रिप्लिकेशन फोर की तरफ एलांगेट हो रही है, इसको बोला जाता है लीडिंग स्ट्रैंड। दूसरी जो स्ट्रैंड है उसके साथ भी नई डीएनए की स्ट्रैंड बननी है, लेकिन ये इस पुराने स्ट्रैंड का फाइव प्राइम एंड इधर आए तो दूसरे स्ट्रैंड का थ्री प्राइम एंड इधर बनेगा और इधर इसका फाइव प्राइम एंड होगा। अगर ये स्ट्रैंड रिप्लिकेशन फोर की तरफ एलांगेट हो तो उसकी जो डीएनए जो नई स्ट्रैंड बनाएगा वो फाइव थ्री टू फाइव बनाएगा, लेकिन थ्री टू फाइव डीएनए स्ट्रैंड नहीं बना सकता, वो हमेशा फाइव से थ्री की तरफ बनाता। अब होता क्या है, होता ये कि प्राइमर यहाँ पर अटैच हो जाता है, ये जो गन है इसको थ्री प्राइम एंड बन प्रोवाइड कर लेगा। डीएनए पॉलीमरेज प्राइमर के जो थ्री प्राइम एंड है वहाँ से जो गन वो बना रहा होता है डीएनए की नई स्ट्रैंड बना रहा होता है, और कहाँ तक बना रहा होता है कि यहाँ तक कि दूसरे प्राइमर तक पहुँच जाए। दूसरे प्राइमर तक जब ये पहुँचेगा तो यहाँ से ये डीएनए पॉलीमरेज थ्री जो गन पीछे की तरफ जंप करेगा, पीछे की तरफ जो गन एक दूसरा प्राइमर जुड़ा हुआ है वहाँ से जो गन ये डीएनए की नई स्ट्रैंड बनाना शुरू कर लेगा और यहाँ तक कि इधर पहुंच जाए। तो ये जो स्ट्रैंड है ये एलांगेट होती है अवे फ्रॉम रिप्लिकेशन फोर्क, रिप्लिकेशन फोर्क से इस तरफ बनती जाती है, तो इस स्ट्रैंड को क्या बोला जाता है लैगिंग स्ट्रैंड। और ये जो लैगिंग स्ट्रैंड है कंटिन्यूसली नहीं बन रही होती, वो जो होता है डिसकंटिन्यूसली उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनते हैं, हर छोटा सा पीस ये देखें ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फ्रेगमेंट बना, इसको बोला जाता है ओकाज़की फ्रेगमेंट। ओकाज़की फ्रेगमेंट की लेंथ कितनी होती है, अगर यूकैरियोटिक सेल ले लें तो उसके अंदर 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड, अगर प्रोकैरियोटिक ले लें तो उसकी जो लेंथ होती है 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड पर मुश्तमिल है। तो ये डिसकंटिन्यूसली छोटे छोटे फ्रेगमेंट की सूरत में बन रहा होता है, इसको बोला जाता है लैगिंग स्ट्रैंड। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, ये हमारे पास प्राइमर दरमियान में लगते जा रहे हैं और इस तरह जो कहना डीएनए पॉलीमरेज थ्री जो कहना एक करता जा रहा है और ये जो कहना आखिर में बनता जाएगा। आखिर में फिर जब टर्मिनेशन होगी, टर्मिनेशन में इस तरह हो जाएगा कि हमारे पास जो डीएनए पॉलीमरेज वन है वो इन प्राइमर को जो कहने क्या करेगा निकाल देगा, इसकी जगह डीएनए के न्यूक्लियोटाइड लगा देगा और इसके बाद एक एंजाइम डीएनए लाइगेज वो इन ओकाज़की फ्रेगमेंट को आपस में जोड़ देगा। दोनों हमारे पास जो कहना जो नए डीएनए के स्ट्रैंड बनेंगे, एक के अंदर एक पुराना और एक नया बन जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ये डिवाइड हो जाएगा। ये डायग्राम देखें, ये हमारे पास रिप्लिकेशन फोर का है, हेलिकेज एंजाइम यहाँ से बाण तोड़ रहा है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग करता जा रहा है, टोपोइसोमेरेज जो कहना डीएनए स्ट्रैंड जो हेलिक्स की फॉर्म है उसको अनवाइंड कर रहा है। ये एक स्ट्रैंड जो बन रही है ये लीडिंग स्ट्रैंड है, कंटिन्यूसली बन रही है और किसकी तरफ बन रही है रिप्लिकेशन फोर की तरफ। दूसरी जो स्ट्रैंड बन रही है वो जो कहना इसके फ्रेगमेंट बन रहे हैं, यहाँ से जो कहना प्राइमर यहाँ पर लगा हुआ है यहाँ से डीएनए पॉलीमरेज स्टार्ट लेगा और यहाँ तक एक फ्रेगमेंट बना लेगा, इसके बाद ये पीछे आएगा, ये प्राइमर लगा हुआ है फिर यहाँ से स्टार लेगा यहाँ तक जो कहना दूसरा, इस तरह वो प्रोसेस डिसकंटिन्यूसली छोटे छोटे फ्रेगमेंट की सूरत में बन रहा है, तो इसको बोला जाता है लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। आखिर में जब टर्मिनेशन होगी, ये वाला जो स्ट्रैंड जो डिसकंटिन्यूसली बन रहा है और छोटे छोटे फ्रेगमेंट की सूरत में बन रहा है लैगिंग स्ट्रैंड, हर एक पीस क्या कहलाता है ओकाज़की फ्रेगमेंट कहलाता है। डीएनए पॉलीमरेज थ्री वो जो कहना ये स्ट्रैंड बनाता जा रहा है, लेकिन इसको थ्री प्राइम एंड जो कहना प्राइमर प्रोवाइड करेगा तो उससे वो बनाता जाता है। आखिर में हमारे पास जो डीएनए पॉलीमरेज वन है वो जो कहना प्राइमर को निकाल रहा है और उसकी जगह डीएनए के न्यूक्लियोटाइड ऐड कर लेगा, इसके अलावा लाइगेज एंजाइम इस ओकाज़की फ्रेगमेंट को आपस में जोड़ देगा, दोनों स्ट्रैंड जो कहना क्या हो जाएंगे। अच्छा एक और चीज़ आपको बता दूँ कि जब हेलिकेज इंजाइम इसके दरमियान हाइड्रोजन बांड को तोड़ के इन दोनों स्ट्रैंड को अलग कर लेगा तो यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन जो कहना जुड़ जाती है, वो सिंगल स्ट्रैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन इसलिए अटैच होती है ताकि ये दोनों स्ट्रैंड दोबारा हेलिकेज इंजाइम ने तो बांड तोड़ दिए ये अलग हो गए, रिप्लिकेशन बबल रिप्लिकेशन फोर्क बन गया, लेकिन दोनों उसके दोबारा जो कहना आपस में जुड़ने का चांस होता है तो दोबारा ये आपस में ना जुड़े उसको रोकने के लिए सिंगल स्ट्रैंडेड बॉडी प्रोटीन अटैच हो जाते हैं ताकि ये दोबारा एक दूसरे के साथ ना जुड़े। तो इस तरीके से डीएनए रिप्लिकेट होता है, हर जो नई स्ट्रैंड बनेगा उसके अंदर एक पुरानी और एक नई स्ट्रैंड होगी, तो इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड। ये जो पूरा प्रोसेस बताया इसमें क्या है, रिप्लिकेशन बबल डीएनए हेलिकेज एंड डीएनए कैरेज एंजाइम वर्क एट द ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, डीएनए हेलिकेज क्या करेगा
डीएनए हेलिकेज ये कर लेगा कि टर्न ऑफ डीएनए डुप्लिक बाय कॉजिंग द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द बेस पेयर सो दैट द टू स्ट्रैंड कैन बी सेपरेटेड। हेलिकेज दो स्ट्रैंड के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको तोड़ देगा ताकि दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे। डीएनए गायरेज जो करना डीएनए डुप्लेक्स को अनवाइंड कर लेगा और इन दोनों एंजाइम की एक्शन की वजह से रिप्लिकेशन बबल जो कहना बन जाएगा और उसके जो एंड होते हैं उसको हम रिप्लिकेशन फोर्क बोलते हैं। जब दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन एसएसबी एक स्ट्रैंड के साथ अटैच हो जाएगा, दूसरा दूसरे स्ट्रैंड के साथ, और किस मकसद के लिए, ताकि ये दोनों जो कहना क्या ना हो जाए, दोबारा ना जुड़ जाए। और जो रिप्लिकेशन बबल का जो हर एक साइड है वो क्या कहलाता है, रिप्लिकेशन फोर्क कहलाता है। जब ये रिप्लिकेशन बबल रिप्लिकेशन फोर्क बन गया तो इसके बाद एक्सटेंशन या पोलराइजेशन द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर स्ट्रैंड। एक्सटेंशन या पोलराइजेशन किसको बोलते हैं, जब डॉटर स्ट्रैंड नए स्ट्रैंड बनते हैं तो इसको बोला जाता है एक्सटेंशन या पोलराइजेशन। डॉटर स्ट्रैंड जो बनाता है कौन बनाता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बनाता है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डॉटर स्ट्रैंड बनाता है अगर इसको थ्री प्राइम एंड मिले, थ्री प्राइम एंड होगा तो उसके साथ न्यूक्लियोटाइड को ऐड करके वो डॉटर स्ट्रैंड बना सकता है, अदरवाइज नहीं बना सकता। तो उसको थ्री प्राइम एंड किस तरह मिल जाता है, प्राइमेज एक एंजाइम है वो प्राइमर बना लेता है, वो डीएनए स्ट्रैंड के साथ अटैच हो जाता है, तो प्राइमर का जो थ्री प्राइम एंड है उसके साथ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है और नया स्ट्रैंड बनाता है। DNA helicase and primase are bound in the form of complex called promosome. हमारे पास DNA helicase और primase ने जो कहना वो क्या बना लेता है, एक कम्प्लेक्स की फॉर्म, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और इसको क्या बोलते हैं, प्रोमोसोम बोलते हैं। सिंथेसिस ऑफ डॉटर DNA अकर थ्रू DNA पॉलीमरेज एंजाइम दैट आर ऑफ थ्री टाइप्स। नए जो डीएनए के स्ट्रैंड बनेंगे वो डीएनए पॉलीमरेज बनाएगा, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम थ्री टाइप्स के होते हैं। एक को बोले डीएनए पॉलीमरेज वन, वो आरएनए प्राइमर जो लग जाते हैं उसको रिमूव करता है टर्मिनेशन के वक्त, और इसी तरह ये क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज थ्री की हेल्प कर रहा होता है। डीएनए पॉलीमरेज टू ये डैमेज डीएनए की क्या कर रहा होता है, रिपेयर कर रहा होता है, अगर कहीं से डीएनए डैमेज हो गया तो उसको रिपेयर करेगा। और डीएनए पॉलीमरेज थ्री जो कहना मेन एंजाइम है जो नई स्ट्रैंड बनाएगा रिप्लिकेशन के दौरान। डीएनए पॉलीमरेज थ्री जो कहना इस तरह एक कर रहा होता है कि डीएनए पॉलीमरेज थ्री जो कहना जब इसको प्राइमर मिल जाए तो प्राइमर का जो थ्री प्राइम एंड है वहां से न्यूक्लियोटाइड ऐड करके नई वो बना रहा होता है। चूंकि ये थ्री प्राइम एंड के ऊपर न्यूक्लियोटाइड को ऐड करके नई स्ट्रैंड बनाता है तो यही वजह है कि डीएनए पॉलीमरेज थ्री जो नया स्ट्रैंड बनाएगा वो फाइव से थ्री प्राइम एंड की तरफ बनेगा। वन जो डीएनए पॉलीमरेज थ्री का एक यूनिट है वो जो कहना है कंटिन्यूसली डॉटर स्ट्रैंड बना रहा होता है, वो जो स्ट्रैंड होता है वो रिप्लिकेशन फोर की तरफ एलांगेट हो रहा है, इसको लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। दूसरा हमारे पास जो डीएनए पॉलीमरेज थ्री है वो जो कहना जो स्ट्रैंड बना रहा होता है वो रिप्लिकेशन फोर की तरफ एलांगेट नहीं होता, वो रिप्लिकेशन फोर्क से अवे एलांगेट होता है, और वो जो बना रहा होता है डिसकंटिन्यूसली बना रहा होता है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट की सूरत में बना रहा होता है। हर एक जो फ्रेगमेंट है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट कहलाता है, एक जापानी साइंटिस्ट के नाम पे के ऊपर इसको ये नाम दिया गया ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। जो छोटा पीस बनता है नए स्ट्रेन का उसके अंदर 100 टू 200 न्यूक्लियोटाइड होते हैं यूकेरियोट्स के अंदर और 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, लेकिन हर एक जो फ्रेगमेंट होता है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट कहलाता है। ये जो डिसकंटिन्यूसली ग्रोइंग स्ट्रैंड है जो रिप्लिकेशन फोर्क से अवे जा रहा है इसको बोला जाता है लैगिंग स्ट्रैंड। हर एक स्ट्रैंड जो बन रहा होता है प्राइमर से स्टार्ट होता है और एक मखसूस लेंथ तक डीएनए पॉलीमरेज थ्री उसके ऊपर एक्ट कर रहा होता है। जो लैगिंग स्ट्रैंड की बात कर रहा हूँ, एक प्राइमर लग गया वहाँ से डीएनए पॉलीमरेज जो कहना स्ट्रैंड बनाता जाएगा यहाँ तक कि दूसरे प्राइमर तक पहुँच गया, वहाँ से ये जंप बैक करता है पीछे की तरफ आता है और नया प्राइमर जो लगा हुआ है वहाँ से डीएनए पॉलीमरेज की सिंथेसिस डीएनए पॉलीमरेज नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस स्टार्ट कर लेता है और दूसरे प्राइमर तक। तो इस तरह ये प्रोसेस जो कहना क्या होता जाता है, रिपीट होता जाता है। वन ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज थ्री सब यूनिट आल्सो रिमूव द रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड दैट आर एडिड मिस्टेकनली, दिस प्रोसेस कॉल्ड प्रूफरीडिंग। डीएनए पॉलीमरेज थ्री के एक यूनिट प्रूफ रीडिंग भी कर रहा होता है, अगर कोई डीएनए न्यूक्लियोटाइड गलत ऐड हो गया तो उसको भी रिमूव करता है। और आखिर में टर्मिनेशन फेज इज कैरेक्टराइज बाय रिप्लेसमेंट ऑफ प्राइमर बाय डीएनए न्यूक्लियोटाइड एंड जॉइनिंग ऑफ ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट इन द लैगिंग स्ट्रैंड टू फॉर्म कंटीन्यूअस स्ट्रैंड।
टर्मिनेशन में क्या होगा, टर्मिनेशन में ये होगा दो चीजें होगी, एक तो जो प्राइमर डीएनए स्ट्रैंड के अंदर ऐड हो चुके हैं उसको रिमूव करके डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना है, और दूसरी बात है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट डीएनए छोटे छोटे पीसेस में बना हुआ है लैगिंग स्ट्रैंड में, उन पीस को आपस में जो कहना क्या करना है जोड़ना है। तो ये काम कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज वन प्राइमर को निकाल लेता है और क्या कर लेता है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड ऐड कर लेता है। जब वो प्राइमर को निकाल रहा है तो एक्सोन्यूक्लियस के तौर पर काम कर रहा होता है, और जब वो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड उस जगह के ऊपर ऐड कर रहा होता है तो पॉलीमरेज, तो ये पॉलीमरेज का काम भी कर रहा होता है, एक्सोन्यूक्लियस का काम भी कर रहा होता है, और आखिर में जो कहना ये हो जाता है कि जो 3' एंड है वो डीएनए पॉलीमरेज वन जो है वो तो प्राइमर को तो निकाल देगा, लेकिन वो जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट है अभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते, तो उसको जोड़ता कौन है, उसको जोड़ने के लिए एक इंजाइम है जिसको हम बोलते हैं डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या कर लेता है, एक ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट और दूसरा ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट के दरमियान फास्फोडाइस्टर बांड बना लेता है, और उसके रिजल्ट में जो लैगिंग स्ट्रैंड है जो डिसकंटीन्यूअस की फॉर्म में था, दरमियान में प्राइमर लगे हुए थे छोटे छोटे फ्रेगमेंट की सूरत में बना हुआ था, प्राइमर को निकाल दिया डीएनए न्यूक्लियोटाइड और एक ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट दूसरे के साथ जुड़ गया, तो इस तरह लैगिंग स्ट्रैंड भी जो कहना है कंटिन्यूअस स्ट्रैंड की सूरत में जो कहना क्या हो जाता है बंद हो जाता है। तो इस तरह तरीके से एक डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल से, एक पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल से दो नए डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल बन जाते हैं, और जो डॉटर डीएनए का मॉलिक्यूल है इसके अंदर एक ओल्ड और एक नया स्ट्रैंड होता है, क्योंकि हर डॉटर डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर एक ओल्ड और एक नया स्ट्रैंड है, तो इस मेथड को क्या बोला जाता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड बोलते हैं। तो ये बेसिकली तरीका है डीएनए के रिप्लिकेशन का, डीएनए इस तरीके से क्या हो जाता है। इन ऑर्डर टू मेक योर कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर अबाउट द डीएनए रिप्लिकेशन, लेट्स हैव अ लुक एट दिस इनोवेशन। ये हमारे पास डीएनए का मॉलिक्यूल है और डीएनए का मॉलिक्यूल रिप्लिकेट होने जा रहा है, तो पहले आप देखें ये इस तरह ट्विस्ट फॉर्म में होता है, एक इंजाइम, उस इंजाइम का नाम है टोप आइसोमरेज या गायरेज इंजाइम, वो इसको क्या कर लेगा, अनवाइंड कर लेगा, सीधा कर लेगा। जब इसको अनवाइंड कर लेगा टोप आइसोमरेज, तो उसके बाद एक इंजाइम है, उस इंजाइम का नाम है हेलिकेज इंजाइम। हेलिकेज इंजाइम इनके दो स्ट्रैंड के दरमियान जो हाइड्रोजन बांड है उसको तोड़ देगा, जब हाइड्रोजन बांड को तोड़ेगा तो उसकी रिजल्ट में ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं, जब दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं तो उस वजह से एक बबल लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम रिप्लिकेशन बबल, और रिप्लिकेशन बबल के जो एंड होते हैं उस एंड को बोला जाता है रिप्लिकेशन फोर। ये इंजाइम है हेलिकेज इंजाइम, हाइड्रोजन बांड को तोड़ता जा रहा है, डीएनए के स्ट्रैंड अलग होते जा रहे हैं, ये जो बबल बन रही है रिप्लिकेशन बबल, और ये जो पॉइंट है इसको बोला जाता है रिप्लिकेशन फोर्क। हर एक डीएनए का स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम कर रहे हैं, मॉडल का काम कर रहे हैं, और उसके साथ नया स्ट्रैंड बनेगा, नया स्ट्रैंड कौन बनाएगा, नया स्ट्रैंड बनाएगा डीएनए पॉलीमरेज, लेकिन यहाँ पर आ गया प्राइमर, प्राइमर आरएनए न्यूक्लियोटाइड का एक प्राइमेज इंजाइम, आरएनए न्यूक्लियोटाइड का एक पीस लगाया जिसको बोला जाता है प्राइमर। प्राइमर किस लिए लगाया गया, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज इंजाइम को 3' एंड मिल जाए, वहाँ से वो फ्री न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता हुआ 5 से 3' एंड की तरफ वो नया डीएनए के स्ट्रैंड बना सकता है। प्राइमर से ये शुरू करेगा और 5 से 3' एंड डायरेक्शन में ये नया स्ट्रैंड बना रहा है, ये जो नया स्ट्रैंड बन रहा है कंटिन्यूसली बन रहा है, रिप्लिकेशन फोर की तरफ एलांगेट हो रहा है, तो इस स्ट्रैंड को बोला जाता है लीडिंग स्ट्रैंड, वो कंटिन्यूसली बनता है और रिप्लिकेशन फोर की तरफ एलांगेट होता है, इस स्ट्रैंड को बोला जाता है लीडिंग स्ट्रैंड। लेकिन जो दूसरा स्ट्रैंड बन रहा होता है वो कंटिन्यूसली नहीं बन रहा होता, और वो बन रहा होता है अवे फ्रॉम द रिप्लिकेशन फोर, इसको बोला जाता है लैगिंग स्ट्रैंड, और लैगिंग स्ट्रैंड में छोटे छोटे पीस बनते हैं। ये देखें, ये प्राइमेज आया, प्राइमर उसने अटैच किया, डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से डीएनए की स्ट्रैंड बनाएगा और कहाँ तक बनाएगा, और दूसरे प्राइमर तक बनेगा, और ये क्या करेगा, एक छोटा सा पीस बन जाएगा, आप देखिए एलांगेट हो रहा है अवे फ्रॉम द रिप्लिकेशन फोर्क, और एक छोटा सा पीस बन गया, इस पीस को क्या बोला जाता है, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। ये फिर प्राइमर अटैच हो गया, दूसरा डीएनए का पीस, ये जो स्ट्रैंड है डिसकंटिन्यूसली बन रहा है अवे फ्रॉम द रिप्लिकेशन फोर्क और छोटे छोटे पीसेस में बन रहा है, इसको बोला जाता है लैगिंग स्ट्रैंड। यहाँ पर जो कहना एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम अब आएगा,
आरएनए न्यूक्लियोटाइड को उसने रिमूव कर लिया, पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर क्या कर लेगा, आर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर लेगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा, एक और एंजाइम जिसको बोला जाता है डीएनए लाइगेस, डीएनए लाइगेस प्राइमर को हटा के ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट जहाँ पे गैप होता है उसके दरमियान बॉन्ड बना के उसको क्या कर लेगा, उसको कंटिन्यूस कर लेगा। तो इस तरह दो डीएनए के मॉलिक्यूल बन गए। अब दो डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर एक पुराना और एक नया स्ट्रैंड मौजूद है, ये जो हाईलाइट करके शो कर रहा है ये नया स्ट्रैंड बन गया। दूसरा जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है वो कौन सा है, वो हमारे पास पुराना है। ये नए डीएनए के मॉलिक्यूल एक पुराना और एक नया स्ट्रैंड बन रहा है, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड बोलते हैं। और सेमी कंजर्वेटिव मेथड के जरिए दो नए डीएनए के मॉलिक्यूल बन जाते हैं, और इससे हमारे पास हर डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर एक पुराना और एक नया। उम्मीद करता हूँ कि आपको डीएनए की रिप्लिकेशन की समझ आई होगी कि डीएनए किस तरह रिप्लिकेट होता है। फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन कोई कन्फ्यूजन है, योर क्वेश्चन आर ऑलवेज वेलकम एंड थैंक्स यू ऑल। ओके, अल्लाह हाफिज़।